वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ये बजाज पल्सर 220F BS6 वेरिएंट। इसका पटना में ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है और कंपनी ने इसमें क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं, टोटल चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला भी हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बगल में बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ बाइक से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और साथ में मेरे चैनल को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लुक की बात की जाए तो बजाज कंपनी ने 220F के मॉडल और डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, वही सेम आपको मिलता है जैसे कि BS4 में 2019 मॉडल में जो आ रहा था, 2019 मॉडल में जो आ रहा था, वो टोटल चीज़ आपको वही चीज़ इसमें देखने को मिलेगा। पटना में ऑन रोड प्राइस इस मोटरसाइकिल का पड़ता है 1,43,378 रुपये। अदर स्टेट वाले बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के जरिए अपने स्टेट का नाम, उस पर्टिकुलर बाइक या स्कूटी का नाम लिख करके ऑन रोड प्राइस मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहली और अहम बात कि बजाज पल्सर 220F में अब आपको BS4 की जगह BS6 इंजन कंपनी ने लगा के दिया है। तो ये देख लीजिए, ये रहा इस बाइक का फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके इस बाइक का फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम लगा हुआ है। जबकि इससे पहले जो बजाज पल्सर 220F मार्केट में आ रही थी उसमें कार्बेटर यहाँ पे लगा रहता था। हालांकि हम सभी लोग को पता है कि बजाज पल्सर 220F जब पहला मॉडल लॉन्च हुआ था मार्केट में वो फ्यूल इंजेक्टर के साथ लॉन्च हुआ था 2006-2007 के बीच में, फिर 2009 में इसे कार्बेटर बना दिया गया, लेकिन फिर से इसे BS6 वेरियंट में इसमें फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम लगा करके इसे दे दिया गया है। ये देख लीजिए, ये जो आप साइलेंसर जो देख रहे हो इसका, यहाँ साइलेंसर जो हेड के ऊपर से कनेक्ट होकर जो नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे आपको ये आपको BS6 वेरिएंट 220 में आप मिलेगा, यहाँ पे कैटलेटिक कन्वर्टर लगा के यहाँ पे मिलेगा। और ये देख लीजिए, यहाँ पे इसके साइलेंसर पे जो आप जो कनेक्टिंग देख रहे हो ये इसका O2 कनेक्शन है, इसे हम ऑक्सीजन सेंसर कहते हैं। ये देख लीजिए, बजाज कंपनी ने इस बाइक में लगाया है 220cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड 2-वाल्व विद DTSI BS6 इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है, आपको इस बाइक के जो मैक्सिमम पावर मिलेगा वो है 20.93 BHP, और जो टॉर्क इसका जो इंजन प्रोड्यूस करेगा वो है 18.55 Nm टॉर्क इसका इंजन प्रोड्यूस करने वाला है। मैं जानता हूँ यार ये इसका जो टॉर्क है थोड़ा सा 1% कम किया गया है BS4 के मुकाबले, और नंबर ऑफ गियर इसमें आपको 5 मिल जाते हैं, अगर 6 गियर इसमें दिया जाता NS की तरह से तो स्मूथनेस और इंक्रीज़ होता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो इस बार मैं थोड़ा डिसअपॉइंट फील कर रहा हूँ, क्योंकि बजाज कंपनी ने बजाज पल्सर 220 में आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट नहीं दिया है, वही एज़ यूजुअल आपको 260mm का फ्रंट डिस्क मिलता है राउंड शेप में विथ सिंगल चैनल ABS सपोर्ट के साथ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई बजाज कंपनी इस बार 220 में कम से कम डुअल चैनल ABS दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये देख लीजिए, ये रहा इस बाइक का बैक डिस्क ब्रेक, 230mm का ये बैक डिस्क ब्रेक आपको 220F के पिछले व्हील में लगा हुआ मिलेगा। और ये जो आप जो देख रहे हो ये ABS नहीं है, ये एक बेसिकली RLP यूनिट है जिसे हम आसान सी भाषा में स्पीड सेंसर कह सकते हैं। तो अब मैं करता हूँ इस बाइक को ऑन और आपको इस बाइक का इंजन साउंड सुना देता हूँ। इंजन साउंड कैसा लगा अपने एक्सप्रेशन लाइक या अनलाइक बटन हिट करके आप जाहिर कर सकते हैं। तो सुनिए इस बाइक का इंजन साउंड। तो अब मैं इस बाइक का मीटर ऑन करके इसकी मीटर की जानकारी आपको दे देता हूँ। ये देख लो, बाइक का मीटर ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो बजाज कंपनी ने इस बाइक का मीटर डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन बनाया है। और इसके मीटर का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कलर मिलेगा, और इस तरफ जो आप जो इसका जो RPM डायलर है वो आप देख सकते हो, इसके ऊपर जो कलर है रेड कलर और फीका रेड कलर में इसका RPM डायलर मिलेगा। और इसमें कुछ नोटिफिकेशन लाइट्स है जैसे कि RPM लिमिट नोटिफिकेशन लाइट, फ्यूल नोटिफिकेशन लाइट, हीट नोटिफिकेशन लाइट, और यहाँ पे अब आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे दी भी मिलेगी। बाद बाकी जो निजी जानकारियाँ होती है जैसे टर्न सिग्नल नोटिफिकेशन लाइट, न्यूट्रल नोटिफिकेशन लाइट, पास नोटिफिकेशन लाइट, ABS नोटिफिकेशन लाइट, और यहाँ पे आपको रिसेट का बटन इसके मीटर पर दिया हुआ मिल जाएगा। एक लुक इस बाइक का आप लोग फ्रंट से ले लीजिए, इसमें जो इसका जो हेडलाइट सेटअप है कंपनी ने जो किया है वही सेम आपको लो बीम हाई बीम प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें लगा के कंपनी ने दिया है। ये देख सकते हो, मैं सोच रहा था कि भाई BS6 वेरिएंट में LED वाला कुछ हेडलाइट सेटअप इसका आएगा, लेकिन ऐसा कुछ कंपनी ने किया नहीं, वही सेम हेडलाइट सेटअप इसमें लगा के दिया है जो एज़ यूजुअल मार्केट में पहले से 220 में आ रहा है। तो बॉडी ग्राफिक स्टिकर की बात की जाए तो फ्रंट फेयरिंग वाइजर पर आप देख सकते हो रेड कलर में आपको इसका बॉडी ग्राफिक स्टिकर वही 2019 मॉडल वाला ही आपको लगा हुआ मिलेगा,
और फ्यूल टैंक पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, फ्यूल टैंक पे कोई बॉडी ग्राफिक स्टिकर कंपनी ने नहीं लगाए हैं, वही आपको बजाज का टिपिकल 3D लोगो इसके फ्यूल टैंक के दोनों साइड लगे हुए मिलेंगे। और ये देख लीजिए, इस पे आपको टैंक पैड्स मिलेंगे, ये नए मॉडल वाले। ये देख लीजिए, ये रहा इस बाइक का बैटरी पैनल। इसके बैटरी पैनल के ऊपर जो रैपिंग कंपनी ने की है वो कार्बन फाइबर फिनिश वाली रैपिंग इस पे की हुई मिल जाएगी दोनों साइड। दोस्तों सीट कवर पर देखोगे तो वही वाले बॉडी ग्राफिक स्टिकर सेम वाले 2019 मॉडल वाले इस पे लगे हुए मिलेंगे। 220F की ब्रांडिंग कंपनी ने स्टिकर फॉर्म में इसके सीट कवर पे दोनों साइड कर रखी है। और नीचे की तरफ देखो, वही आपको रेड और कार्बन फाइबर फिनिश वाला आपको स्टिकर, बॉडी ग्राफिक स्टिकर इसके दोनों साइड सीट कवर पे लगे हुए मिल जाएंगे। तो फ्रंट की तरफ देखेंगे तो इसके फ्रंट मडगार्ड में आपको यही स्टिकर आपको रेड और ये देख सकते हो कार्बन फाइबर फिनिश टाइप का जो स्टिकर रहता है कॉम्बिनेशन के साथ इसके रेड वाले के साथ आपको दोनों साइड इसके फ्रंट मडगार्ड लगा हुआ मिल जाएगा। की तरफ देख लीजिए, ये इस बाइक का ये इंजन बेली पैन है और इंजन बेली पैन पे भी ये आप देख सकते हो रेड कलर का बॉडी ग्राफिक स्टिकर लगा हुआ दोनों साइड मिलेगा। और एक चीज मैं और आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए कैटलेटिक कन्वर्टर लगने के कारण इसका जो इंजन बेली पैन का जो ये जो देख रहे हो मिडिल जो है इसे थोड़ा चौड़ा किया गया है ताकि ये जो कैटलेटिक कन्वर्टर है आसानी से इसमें फिट हो सके। भाई लोग ये देख लो, यहाँ पे देख सकते हो रेड रंग की पट्टी आपको इसके अलॉय व्हील के दोनों साइड लगी हुई मिलेगी, फ्रंट और बैक दोनों में आपको रेड रंग की पट्टी इसके अलॉय पे लगी हुई मिल जाएगी। दोस्तों स्विचेस की जानकारी मैं दे दूं, ये ऊपर की तरफ आपको मिलेगा हाई बीम लो बीम का स्विच और ये देख लीजिए ये रहा इस बाइक का पास लाइट स्विच और नीचे की तरफ इसमें आपको मिलेगा इंडिकेटर स्विच और ये रहा इसका हॉर्न स्विच। और दूसरी तरफ वाले स्विच सेक्शन में आपको ऊपर की तरफ मिलेगा रेड कलर में इंजन किल स्विच और नीचे की तरफ सेल्फ स्टार्ट का बटन। दोस्तों इंडिकेटर्स की बात की जाए तो इसमें आपको इस बार फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये देख सकते हो इंडिकेटर वही LED इंडिकेटर तो नहीं है, बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाले इंडिकेटर आपको इस बाइक में फ्रंट और बैक में लगे हुए मिल जाएंगे। दोस्तों इस बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 15 लीटर का। ये बाइक 3.2 लीटर फ्यूल रिजर्व में रखेगी, जाहिर सी बात है इसमें अब आपको कार्बोरेटर का जगह फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम लगा के कंपनी ने दिया है तो इसका जो माइलेज निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आपको 45 to 55 KMPL के बीच का इसका माइलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको इस बाइक के फ्रंट सॉकर की जानकारी मैं देता हूं। फ्रंट में इसमें आपको लगाव मिलेगा टेलीस्कोपिक फ्रॉग सस्पेंशन विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट के साथ और पीछे वाला सस्पेंशन मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए पीछे वाले सस्पेंशन में वही एज यूजुअल वही सस्पेंशन मिलता है नेटवर्क सस्पेंशन। और दोस्तों इस बाइक का जो ओवरऑल कर्व वेट है 155 kg है, यानी 155 kg का आपको इस बाइक का ओवरऑल कर्व वेट आएगा। ओवरऑल लेंथ इस बाइक का है 2035 mm, ओवरऑल हाइट इस बाइक का 1165 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का 165 mm आएगा और जो विड्थ है इस बाइक का वो है 750 mm। सीट हाइट की बात की जाए तो इसमें आपको 795 mm का सीट हाइट मिलता है और इसमें आपको स्प्लिट सीट दिए हुए हैं और जो सीट का जो कुशन है आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल बजाज कंपनी ने 220F BS6 मॉडल का बनाया है। तो ये देख लीजिए, ये रहा इस बाइक का ग्रेब हैंडल जिसे हम पिलियन ग्रेब हैंडल कहते हैं, आपको मेट ब्लैक कलर फिनिश के साथ इस बाइक के बैक सीट कवर के ऊपर लगा हुआ मिल जाएगा। तो अब मैं आपको इस बाइक की टायर की जानकारी दे देता हूँ, ये देख लो फ्रंट की तरफ आपको मिलेगा 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिलेगा और ये देख सकते हो यूरो ग्रिप का इसके में आपको टायर मिलेगा, ठीक है। और पीछे का जो टायर मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी साइज़ मैं बता देता हूँ, ये देख लो पीछे की तरफ आपको मिलेगा 120-80-17 का टायर मिलेगा और जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको यूरो ग्रिप का टायर इसमें फ्रंट और बैक में लगे हुए मिलेंगे। ये देख लीजिए, ये रहा इस बाइक का साइलेंसर, इसकी जो पल्सर 220 की जो पहचान है जो सिग्नेचर है इसके साइलेंसर से होती है भाई, ये देख लो साइलेंसर में कोई चेंजेस कंपनी ने नहीं किए हैं, वही आपको मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ इसका साइलेंसर इसमें लगा हुआ मिलेगा। दोस्तों दूसरी तरफ वाला आप इसका प्रोफाइल लुक देख लीजिए इस बाइक का, इसमें आप देख सकते हो कोई बदलाव कंपनी ने नहीं किया है, सिर्फ एक ही चीज़ बदलाव इसमें हुआ है वो है इसका BS6 इंजन और इसमें जो कैटलेटिक कन्वर्टर और FI सिस्टम इसमें लगाया गया है और मीटर पे वही फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम की लाइट दी गई है। बाकी इसके मॉडल में इसके कैरेक्टर में कोई कंपनी ने चेंज नहीं किए, वही सेम लुक वही सेम डिज़ाइन वही सेम कलर और वही सेम बॉडी ग्राफिक के साथ इसको कंपनी ने मार्केट में फिर से इसको लॉन्च किया है। तो मैं आपको इस बाइक का बैक प्रोफाइल लुक दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए बैक प्रोफाइल लुक में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किए हैं, जो एक बजाज पल्सर 220 का जो एक सिग्नेचर मार्क है वो वही चीज़ आपको इसके बैक प्रोफाइल लुक में देखने को मिलेगा, वही आपको LED टेल लाइट मिलते हैं, ये देख लो इसका जो बैक प्रोफाइल लुक है वही एज यूजुअल सेम रखा गया है। तो दोस्तों आप लोग ने जाना कि बजाज पल्सर 220F BS6 वेरिएंट 2020 के मॉडल में कंपनी ने क्या बदलाव किए हैं, क्या इसका ऑन रोड प्राइस रहा, टोटल चीज़ आप लोग ने इस वीडियो में देखा और जाना। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दो इस भाई को इजाज़त, जल्दी मुलाकात होगी आप लोग से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लिव फ्री राइड आर्ट एंड हैव अ सेफ राइड।